क्यों करें? अस्सलाम वालेकुम, वैरायटी वुमेन ट्रांसमिटेड वायरल सेंसर में बात कर रही हूँ। कल आपने 15 पे कॉल की थी सर, तो प्लीज़ करवाइएगा सर फॉर्म लोगों के साथ, और पुलिस कितनी देर में पहुँची थी आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उसामा हैदर और आप देख रहे हैं उसामा खान ऑफिशियल। नाज़िर, सुबह पंजाब में बढ़ते हुए वुमेन हरासमेंट केसेस के बाइस आईजी पंजाब फौरी तौर पर हरकत में आए और जिला लेवल पर एक एंटी वुमेन हरासमेंट सेल जो है वो क्याम अमल में लाया गया। हम लोग इस वक्त ऐसे ही एंटी वुमेन हरासमेंट सेल भखर में मौजूद है, जहां पर आप लोगों को देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो डेस्क हैं वो एक्टिव हैं। इस वक्त इस हरासमेंट एंटी हरासमेंट सेल के इंचार्ज डीएसपी जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। वालेकुम सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। सर थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा आम शहरियों के लिए कि ये एंटी हरासमेंट सेल क्या है, किस तरह काम करते हैं और इनसे रब्ता किस तरह किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। एक्चुअली ये एंटी वुमेन हरासमेंट सेल, जिस तरह आप बता रहे थे कि पूरे पंजाब में वुमेन्स के खिलाफ हरासमेंट और तशद्दुद के केसेस बढ़ रहे थे, तो उसको कर्ब करने के लिए पूरे आईजी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि पूरे पंजाब में तमाम अदला में ये सेल कैम करने का हुक्म दिया गया। तो उन्हीं के अहकाम की रोशनी में हमने ये सेल बनाया है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जब कोई किसी भी खातून पर तशद्दुद किया जाए, वायलेंस किया जाए, उसे हरास किया जाए और वो पुलिस को 15 पे कॉल करे, और हमने 3 नंबर हॉट लाइन नंबर्स दिए हैं जो आपके दे दिए जाएंगे आवाम को, उनकी तशहीर की जाएगी बकायदा, तो उन पे वो कॉल करें, तो हमने ये इंश्योर करवाना है कि ऐसी कॉल्स पे फौरन पुलिस रिस्पॉन्ड करे। और इसके अलावा अगर वो CMS हमारा जो सिस्टम है थाना में कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर हमारा जो है हमने इस चीज़ को इंश्योर करवाना है कि उन एप्लीकेशन को जल्द अज जल्द डिस्पोज ऑफ करवाया जाए। अगर वहाँ पर FIR बनती है तो FIR दरवाई जाए, अगर अदरवाइज कोई एक्शन बनता है तो वो करवाया जाए। तो इस सिलसिले में हमने अभी हमारा सेटअप नया लगा है, जिसमें हमने अपने 3 हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक्टिव कर दिए हैं, फंक्शनल कर दिए हैं, जो आवाम के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, जिनमें 92004024034 और 404 है। तो इन नंबर्स पे कॉल करके जो है वो किसी भी वक्त 24/7 हमारा ये जो है सेल फंक्शन कर रहा है, वो अपनी शिकायत हमें दर्ज करवा सकती हैं। उस पर हमारे यहाँ पे बैठी हुई लेडीज ऑफिसर हैं और हमारे दूसरे अफसरान हैं, तो वो उनको ना सिर्फ गाइड करेंगे बल्कि उनकी कानूनी रहनुमाई भी करेंगे। इसके अलावा हमने तमाम थानों में एक विमेन हेल्प डेस्क बना दिया है, जिसका काम यह है कि अगर वहाँ पर लेडीज अपना कोई मसला या कोई शिकायत या दरख्वास्त लेके जाती हैं तो वो उनकी बात सुनेंगी, उनकी रहनुमाई करेंगी। वहाँ पर हमने एक सब इंस्पेक्टर या SI रैंक के VSOs विक्टम सपोर्ट ऑफिसर भी तैनात कर दिए हैं, जिनका काम सिर्फ यही है कि वो अगर कोई विक्टम खवातीन वहाँ पर थाना में जाती हैं तो वो उनकी रहनुमाई करेंगे। एनी हो, अब तक हम ये चीज़ इंश्योर करवा चुके हैं, सारे SHOs, SDPOs और VSOs को हमने बुला के 2 या उनकी वर्कशॉप भी करवाई है, जिसमें सर्वोदय यूनिवर्सिटी से हमने साइकोलॉजिस्ट भी बुलवाई थी, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में कोई, इसके बाद से जब से ये सेल कैम हुआ है, कोई ऐसी दरख्वास्त पेंडिंग या अनअटेंडेड नहीं है। तो तमाम हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी जब भी कोई औरत का मसला हो, उसकी कोई कॉल आए, कोई दरख्वास्त है, तो उस पर फौरी रिस्पॉन्ड किया जाए और उसको अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का और IG पंजाब का, और इससे ख्वातीन के मसाइल से निपटने के लिए बहुत आसानी होगी। तो मेरा मीडिया वालों से भी ये गुजारिश है कि आप इसको मैक्सिमम लोगों तक इसकी अवेयरनेस दें कि एक सेल बन चुका है, जिसका मकसद ये है कि अगर औरतों के साथ, बच्चों के साथ या अकलियतों के साथ कोई ज्यादती कर रहा है, कोई निराश कर रहा है, तो वो हमें रिपोर्ट करें ताकि हम उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकें। जी बिल्कुल, आपने जाना कि सेल के इंचार्ज का ये कहना है कि स्पेशली वुमेन हरासमेंट के हवाले से जो केसेस सामने आ रहे थे उनको जो है उनके मुदावे के लिए और बरवक्त रेस्क्यू करने के लिए सबको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया जो है बखर की सतह पर तो कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, और अल्लाह करे के मुल्क में भी ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट ना हो, क्योंकि जो इज्जत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने खातून को दी है उसे समझने के लिए हम सबकी वक्त की अहम जरूरत है। हम सब उम्मीद करते हैं कि इस चैनल से दिए जाने वाले पैगाम की खातून को इज्जत दो, उस पर सभी अमल करेंगे। इजाजत दीजिए उसामा हैदर को, देखते रहिए उसामा खान ऑफिशियल, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।